रेल एक ऐसी सुविधा है जिसका हर भारतीय बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करता है। ऐसा ही इंतजार मेवाड़ और वागड़ के लोग भी कर रहे थे। यहाँ एक बड़ा तबका ऐसा है जो काम धंधे के लिए, रोजगार पाने के लिए अलग अलग शहरों के लिए बड़ी मात्रा में पलायन करता है। यहाँ आज भी बच्चे पढ़ाई पूरी करते ही और काम की तलाश में दूसरी जगह, दूसरे शहर की ओर रुख करने का सपना देखने लगते हैं। अब जाहिर है काम करते हैं लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो लौट कर अपने गाँव और शहर जरूर आते हैं। अब रेलवे से सस्ता जरिया आखिर क्या हो सकता है? आवागमन के लिए जहां किराया कम और सफर आरामदायक ज्यादा हो, साथ ही सुरक्षा तो है ही। भारतीय रेलवे भी देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। रेलवे की ओर से विभिन्न क्षेत्रों को सीधे जोड़ने के लिए नई ट्रेनें चलाई जा रही है ताकि प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इसी क्रम में भारतीय रेल ने डूंगरपुर को राजस्थान की राजधानी जयपुर और कोचिंग सिटी कोटा से जोड़ने के लिए नई ट्रेन चलाने की घोषणा की है। होली से पहले ट्रेन चलाई जा सकती है, इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। नई ट्रेन चलने से जिलेवासियों को काफी राहत मिलेगी, वे सीधे जयपुर और कोटा जैसे प्रमुख शहर आ और जा सकेंगे। इससे बांसवाड़ा जिले के लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने जयपुर डूंगरपुर और उदयपुर डूंगरपुर को रेल सेवा से जोड़ने की मांग की थी। रेल मंत्रालय ने उनकी मांग पर विचार करते हुए अब उसे मंजूरी दे दी है। अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि डूंगरपुर और जयपुर के बीच में होली से पहले ही नई ट्रेन चलाई जा सकती है और इससे क्षेत्र के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। रेल कनेक्टिविटी होने से व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोगों की आवाजाही सुगम होगी।